हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आयु अनिरुद्धि ब्लॉग्स। आज का मेरा ये रिव्यू है, जेन्युइन रिव्यू। मतलब आप लोगों को मैं ये यूज करने के बाद ये रिव्यू बता रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज करनी चाहिए या नहीं। तो मेरी तरह जो नए बच्चे की मम्मी है या मम्मी बनने वाली है या दादा दादी नाना नानी मामा मामी चाचा चाची सबके लिए है ये मेरा ये ब्लॉग मेरा ये वीडियो। और ये रिव्यू है जेन्युइन आफ्टर यूज की, मतलब हम लोगों को ये चीज करनी चाहिए या नहीं। तो जिसको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज मोटिवेट अस एंड सपोर्ट अस, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और जिनको नहीं भी अच्छा लगे कोई बात नहीं, वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए ही सही, क्योंकि दोनों की जरूरत है, हेटर्स भी और लवर्स भी। सो कीप सपोर्टिंग। देख ही सकते हैं इसको, मेरे बच्चों ने बहुत खेल लिया है, 5-6 महीने हो चुके हैं इस टॉय कार को, बट अभी भी जैसे का वैसा ही है। थोड़ा गंदा हो गया है क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चे लोग खेलते हैं तो कितना ये हो सकता है। तो इसका मैं रिव्यू दूंगी, जेन्युइन रिव्यू, कि आप लोगों को ये चीज परचेज करनी चाहिए या नहीं। तो मेरे लिए ये चीज अच्छी है और मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल हर बच्चे को ना गाड़ी घोड़े बहुत ज्यादा आजकल जानते हैं हर बच्चा कि पापा आए बाइक से, पापा कहीं घुमाने लेके चले या जो भी। तो यही सब चीजें देखते हुए मैंने भी सोचा था कि मतलब वेट अप्रोक्सीमेटली 46 या 47 kg है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये इतनी मजबूत प्लास्टिक है और अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, बाकी इससे बच्चों को कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और देख सकते हैं बाकी इसके फीचर्स मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं इसका वेट चेक कर लेते हैं। सो यू कैन सी के देखिए यूट्यूबर मॉमी इस लव लैब कंपनी के बेबी कार राइडर के ऊपर बैठी है और इस कार को कुछ नहीं हुआ है और अच्छी क्वालिटी का यह प्लास्टिक है। सो यू कैन बाय, इसका 25 kg लिमिट है लेकिन 47 kg की यूट्यूबर मॉमी भी इस पे बैठी है और इस कार का कुछ नहीं हुआ है, जैसे का तैसा ये बेबी राइडर कार मेंटेन है। सो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी कितनी अच्छी है प्लास्टिक इसका। और बाकी लव लैब कंपनी का है तो ब्रांड आप समझ सकते हैं कि ब्रांडेड है और आपके बच्चे के लिए वर्थ इट है या नहीं है ना। और आज के टाइम में चाहे 100 रुपए का खिलौना लीजिए या 1000 रुपए का, सबको यही चाहिए कि हमारा बच्चा उससे खेले। तो जैसे कि मेरे 2 टोटलर बच्चे हैं और वैसे तो ये 1 सीटर कार है, पर मैं अपने इस वीडियो के साथ अटैच करूंगी वो वीडियो जिसमें मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं और दोनों इसमें बैठ के हो रहे हैं कि नानी के घर और दादी के घर जाएंगे। तो मुझे ऐसा बिल्कुल खिलौना नहीं पसंद है, ना मैं खरीदती हूँ अपने
आना या मतलब वो एफर्ट करते हैं, उनकी कसरत भी होती है, इससे एक्सरसाइज भी होती है। और ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, सो ये खुद से मैनुअल कार है, मैनुअल चलने वाली, आप देख सकते हैं इसकी। और मैंने ये येलो कलर में लिया, ये बहुत से कलर्स में अवेलेबल है। येलो कलर में लिया क्योंकि मेरी बेबी गर्ल है और बेबी बॉय है, तो दोनों के लिए। अब ब्लू और पिंक आजकल नहीं चलता है, तो किस किस के लिए। और एक जैसे दो खिलौनों से बच्चे कभी नहीं खेलते हैं, हर बच्चे को जिसके पास एक खिलौना तो वो इसलिए, तो मेरे लिए वर्थ इट नहीं था दो टॉय कार लेना, क्योंकि बच्चे लोग खेलेंगे ही नहीं। एक जेन्युइन ओपिनियन बता रही हूँ अपना, ये जो हम देखते हैं, तो इसके लिए मैंने येलो कलर लिया ताकि मेरी गुड़िया भी खेल ले, रिद्धि और आयु भी इससे खेले। और ये इतना मजबूत है, इसका मैं और एक डेमो, क्योंकि मेरे बच्चों ने इसको इतना पटका है, इतना पटका है, क्योंकि ये जस्ट का दस सेम कंडीशन में है, वो इतना मजबूत खिला है और मेनली ये बजट में है। मुझे ये 19 का मिला था अमेजन से, और आप लोग भी इसको अमेजन फ्लिपकार्ट जहाँ से आप परचेज करना चाहते लव लैब के मतलब साइट पे जाके, मतलब ये 1500 तक का आपको अच्छा टॉय मिल जाएगा। और इसकी बजट भी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी मतलब क्यों ज़्यादा है। बच्चों ने इस पे देखिए कितना गंदा लगा दिया है, तो इसको हम कॉलिन से साफ भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। और इसको देखिए मैं साफ करके आपको दिखाती हूँ। और मैंने इसको साफ ही करना था, गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा इसका एक रिव्यू भी बना लेते हैं और ये जेन्युइन पोस्ट भी हो जाएगा, ताकि मेरे जैसे जो नई नई मम्मा है, टोटलर बच्चों की मम्मा है, अगर वो कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट सोच रही हैं या ऐसे ही खिलौने खरीदना चाहती हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करती हैं, तो उनके लिए एक जेन्युइन रिव्यू पोस्ट करना बनता है, मेरा भी फर्ज है, ताकि मेरे जो प्यारे प्यारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं और कहीं ना कहीं अब अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, तो उनके पास मेरा एक जेन्युइन
रिव्यू जाना चाहिए ताकि उनको ये खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए खिलौना, और बजट में है, और इसकी वारंटी मेरे ख्याल से 1 साल की आती है। बाकी आपको जहाँ से आप ख़रीदते हैं मेनली स्टोर से वारंटी मिलेगी, पर मैंने तो ये स्टोर से वारंटी स्टोर से नहीं ख़रीदा है, लव लैब से अमेजन से परचेजिंग है, तो मे बी अमेजन से आपको वारंटी ना मिले, बट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको वारंटी मिले नहीं मिले आप देख सकते हैं कि खिलौना और ये टॉय कार कितना अच्छा है। अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, गुड क्वालिटी का, और देखिए एकदम ये क्लीन हो गया, तो इजी टू मेंटेन है और अच्छे से आप इसको वॉश कर सकते हैं, और ये लंबा चलने वाला खिलौना है। आपका बच्चा कितना भी बच्चा इस पे चलेगा बैठेगा, दो बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि जब 47 केजी की यूट्यूबर मम्मी इस पे बैठ सकती है कुछ नहीं हुआ, तो दो बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। वैसे तो ये 1 सीटर है, फिर दो बच्चे खेल सकते हैं इस पे, खेलते हैं, तो आप देख सकते हैं साथ में मेरा आयु है, उसको चॉकलेट चाहिए, तो कितना सपोर्टिव है मेरा बच्चा मेरे साथ। देखिए ये जनरल लुक था, आप लोगों को अगर ये रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ ये वर्थ इट है, ये अमेजन से फ्लिपकार्ट से लव लैब के स्टोर से आप खरीदिए, यकीन मानिए ये आपके पैसा वसूल खिलौना है। आप अपने बच्चे के लिए पैसा वसूल एक अच्छी क्वालिटी का खिलौना खरीद के दे रहे हैं, जो ये 6 महीने नहीं, 1 महीने नहीं, 1 दिन नहीं, ये कम से कम 2-3 साल तक चलने वाला ऐसा खिलौना है, और बच्चे लोग भी बहुत प्यार करते हैं। तो ये कार है, देखिए प्यारी सी कार है, कितना प्यारा कलर मिलता है, और प्लस सिंगिंग का है और म्यूजिक है इसमें, राइडिंग है, बच्चों के लिए टिक्की है, सेफ्टी पर्पस से ये पीछे का सीट का ये या बेल्ट, मतलब सीट बेल्ट इसमें लगा सकते हैं, और बच्चे आपका गिरेगा नहीं, और यकीन माने आपका बेबी जो है इस पे इतना फन करेगा, क्योंकि मैं इसमें वीडियो इंक्लूड करूंगी कि मेरे बच्चे कितना फन कर रहे हैं इस पे और एंजॉय कर रहे हैं। सो यू मस्ट हैव टू परचेज दिस, अगर आप अपने बच्चों को अच्छा खिलौना देना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का, देन ये लव लैब का परफेक्ट आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू। बाबू कहाँ जा रहे हो आप लोग? नानी के पास लेके जा रहे हो? अच्छा, ले जाओगी अच्छे से? ओके, यहाँ आ जाओ, रास्ता डाइवर्ट हो गया, हमें वाया दिल्ली होके जाना है। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो आप? कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, माई वीडियोज, एंड ऐसे ही यूजफुल कुछ वीडियोज आप लोगों के लिए लाते रहेंगे हम, और आयु अरिधि की मम्मा की तरफ से मैं यूट्यूबर मम्मी, थैंक यू एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड जिनको ये अच्छा लगे तो अपने बच्चों के लिए जरूर खरीदें, और ये वर्थ इट है क्योंकि मैंने खुद यूज किया है इसको, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, आप देख ही सकते हैं। आयु अभी बैठने के लिए इस पे उतावला है, तो वो बैठेगा क्योंकि मैंने उसका खिलौना ले लिया है अपने ब्लॉगिंग के लिए। थैंक यू, बाय बाय, बाय कर दो सबको, बाय बाय, कुछ ही कर दो सबको, कुछ ही कर दो, थैंक यू, बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।